फिर वायरल हुई सोनाक्षी सिन्हा। जाहिर और सोनाक्षी ने मनाई गणेश चतुर्थी। वीडियो पर लोगों ने किए कुछ अटपटे कमेंट्स। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। सोनाक्षी ने 23 जून को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल से सिविल मैरिज की थी। इसके बाद दोनों ने एक पार्टी भी दी, जिसमें उनके परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स शामिल हुए थे। इस शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। सोनाक्षी और जाहिर की शादी की वजह से उनके परिवार में अनमन की खबरें खूब सुर्खियों में भी रहीं। अलग धर्म के जाहिर इकबाल संग शादी को लेकर सोनाक्षी के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। यही नहीं, कई ट्रोलर्स ने तो जाहिर पर लव जिहाद तक का आरोप लगाया। इससे परेशान होकर दोनों ने शादी की पोस्ट पर कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। वहीं अब शादी के बाद जाहिर इकबाल और सोनाक्षी ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार यानी कि 8 सितंबर को गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा पति जाहिर इकबाल के साथ गणपति बप्पा की आरती करते हुए नजर आ रही हैं। दोनों आरती की थाली पकड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की पूजा करते दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों के लुक की बात करें तो सोनाक्षी ने नीले रंग की हैवी लॉन्ग सूट पहना हुआ था। इसी के साथ जाहिर ने सोनाक्षी से मैचिंग करता हुआ डबल शर्ट का नीला और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। सोनाक्षी के इस वीडियो पर उनके कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा कि प्यार सम्मान में बदल जाता है जब एक कपल सच्चे भाव से एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करने लगता है। शादी के बाद हमारे पहले गणपति। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट्स में एक यूज़र ने लिखा, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। एक दूसरा लिखता है, अब तो भाभी को भी रोज़ा रखना पड़ेगा। ऐसे कई और कमेंट्स भी इस पोस्ट पर आए, जिसकी वजह से लोगों में भी कमेंट सेक्शन में खूब लड़ाई हुई। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।